दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी की थ्योरीज कुछ देख रहे हैं इस समय प्रवास से संबंधित। पिछले अध्याय में हम लोगों ने रैली महोदय का, डब्ल्यू जी रैली का, गुरुत्व मॉडल जो है, ग्रेविटी मॉडल, गुरुत्व सिद्धांत, उसको देखा था। आज हम लोग उसी मॉडल का ही एक रूप, एक नया वर्जन जो जीके चीफ जॉर्ज किंग्सले चीफ महोदय ने दिया था, उसको देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। वास्तविकता ये है कि जो मॉडल अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपने वो अध्याय नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सिद्धांत आप मान के चलिए कि आपका क्लियर है। क्योंकि इसी बात पे जीके जीव की आलोचना भी होती है कि इन्होंने केवल बात को कहने का तरीका बदल दिया, बाकी बातें सेम टू सेम, जो बातें रैली ने कही हैं वही बातें इन्होंने भी कही हैं। अभी जब हम लोग आगे सिद्धांत को पढ़ेंगे तो ये चीज हमको रियलाइज होगी कि इन्होंने कुछ भी नया नहीं बताया है, बस बात को बताने का तरीका बदल दिया है और अपना एक नया सिद्धांत दे दिया है। जीके जीव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, रैंक साइज रूल आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस वर्क उनका, एक अमेरिकन विद्वान, और इसके पहले जो रैली महोदय थे वो भी अमेरिकन थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो जीके जी भी उसी तरह से एक अमेरिकन विद्वान है। और अभी हम लोग जब आगे भी सिद्धांत देखेंगे तो ये चीज़ आपको लगेगी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अमेरिका में काफ़ी काम हुआ। उसका रीज़न आप लोग को पता होगा कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग ही अमेरिका में हुई। 1950 के दशक में जी टी त्रिवार्था महोदय ने, ग्लेन थॉमस त्रिवार्था ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की। उन्हीं से प्रभावित होके जी एस घोसल, उन्होंने फिर इंडिया में इसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। तो कभी हम लोग जब पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जर्नी कैसी रही, कैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी बना और कैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो आज तो हम लोग मेन सिद्धांत पे आते हैं। जी के जीफ महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया 1940 में, इनका मॉडल आता है, और ये अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटी मॉडल, ये कोई नया मॉडल नहीं था बल्कि एक रूप था ग्रेविटी मॉडल का। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। जो माइग्रेशन होता है वो डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे कि जो बातें अभी हम लोग पिछले वाले में भी कर ही रहे थे, ये चीज़ पिछले वाले लेक्चर में, कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस अधिक है दो स्थानों की, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस होने से क्या होगा, हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो जो प्रवास होगा वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, दूरी अगर ज़्यादा है तो प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रवास कम हो जाएगा। दूरी अगर कम है तो प्रयास भी कम करना पड़ेगा और प्रवास बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, डिस्टेंस अधिक होगी तो प्रयास ज़्यादा लगेगा, प्रवास कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगी तो प्रयास भी कम होगा और प्रवास बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई, जो पॉपुलेशन वाली बात रैली ने कही थी, कि कोई स्थान का अगर पॉपुलेशन, जैसे हम यहाँ पे हैं, हमको इस स्थान पे जाना है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो ये स्थान हमको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, हम अट्रैक्ट होंगे इसके प्रति कि यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब यहाँ पे रोजगार के अवसर हैं, ये सारी चीज़ें। तो पॉपुलेशन वाली चीज़ तो इन्होंने बताई ही, लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो इस बात पे था कि हमें कम एफर्ट करना पड़े तभी ज़्यादा प्रवास हो पाएगा। क्योंकि उस टाइम पर 1940 के समय में उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के साधन तो थे नहीं, अमेरिका में रहे होंगे, अमेरिका में उस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट था, उतना नहीं था जितना आज है, बट अदर एरियाज की अपेक्षा तो था ही। लेकिन अमेरिका के अलावा 1940 में अदर एरिया को देखें, अगर हम 1940 के भारत को देखें, तो 1940 का भारत अगर आप सोचें तो लगता है कि बात सही है, अगर दूरी अधिक है तो प्रयास ज़्यादा होगा। और हम ये सोचेंगे कि अगर मान लीजिए आप अपने आप को रखिए कि आप 1940 के इंडिया में जीवन जी रहे हैं और आपको कहीं जाना है, आपको लगा कि दूरी बहुत अधिक है और दूरी ज़्यादा है तो प्रयास भी बहुत लगेगा, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि छोड़ो, रहने दो, मैं नहीं जाऊँगा इस स्थान पे। क्योंकि तो उस समय क्या था, बस ट्रेन कार कुछ तो था नहीं, बहुत लंबी लंबी दूरियाँ लोग ज़्यादातर
मतलब ट्रेन ये सारी चीज रही भी होंगी बस, तो वो काफी एलीट क्लास के जो लोग थे वही लोग अफोर्ड कर पाते थे, स्पेशली ब्रिटिश लोग। इंडियंस जो थे वो ज्यादातर बैलगाड़ी या ये जो सारी चीजें थी इसी का यूज करते थे 1930-40 के टाइम पर। या इंडियंस में ही जो अच्छे पदों पे थे या कुछ बेहतर जिनकी कंडीशन थी वो यूज कर पाते थे साधनों को, बाकी आम जो लोग थे वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाते थे। तो उस समय के हिसाब से तो ये मॉडल ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी रेलिवेंसी आज के समय में देखें तो आज के समय में ये मॉडल बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं लगता, क्योंकि आज के समय में ये नहीं है कि दूरी अधिक होने से प्रयास ज्यादा लगेगा। आज के समय में ये चीज पॉसिबल है, ये हो सकता है कि आपके घर के पास कोई प्लेस हो, वहां तक जाने का रोड एकदम खराब हो, लेकिन आपके घर से बहुत ज्यादा दूर कोई एरिया हो और वहां जाने का जो रोड हो, वहां जाने का जो रोड हो या साधन हो वो बहुत अच्छे हो। ऐसा होता है कि कभी कभी पास के एरिया में कोई शहर होता है, हम अपने शहर के पास में कोई सिटी होता है, वहां जाने के लिए हो सकता है प्रॉपर साधन ना हो, लेकिन दूर जाने के लिए हो सकता है कोई स्थान 150-200 किलोमीटर हो, बट वहां जाने के लिए लगातार ट्रेन बस या सारी सुविधाएं आपको मिलती हों, रोड्स बेहतर हों। तो आज के समय में इसी वजह से जो फेल हुए रैली की रैली महोदय का जो मॉडल फेल हुआ, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट ये फेल हुआ, इसके पीछे मेन रीजन ये है कि आज के समय में काफी ज्यादा रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, इन चीजों में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, और जो एक ह्यूमन नेचर है इसमें भी बदलाव आया है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे दूरी अधिक है और हो सकता है प्रयास भी ज्यादा करना पड़े, तब भी अगर आपके मन में ये बैठ चुका है कि हमें जाना है तो आप जरूर वहां पे जाएंगे। तो ये सिद्धांत था जीके जीफ महोदय का। ज्यादा इसमें हम लोग को और चर्चा नहीं करनी है, बस इसका आप सूत्र देख लीजिए। सूत्र में कंफ्यूज नहीं होना है, सूत्र आपको काफी सिमिलर लगेगा पिछले वाले थ्योरी के सूत्र से। जो रैली महोदय का सूत्र था उसमें m इज इक्वल टू के p1 p2 अपॉन d स्क्वायर था, d में स्क्वायर था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जीके जीफ महोदय वाले में क्या है, केवल d है, बाकी p1 प्रथम स्थान की जनसंख्या, p2 दूसरे स्थान की जनसंख्या, d क्या है दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है, और प्रथम स्थान द्वितीय स्थान क्या है, एक स्थान जहां हम हैं और एक स्थान जहां हम जाना चाहते हैं, दो स्थान है, और के स्थिर अनुपात, और एम जो है वो आपका प्रवास को शो कर रहा है कि प्रवास ज्यादा होगा या कम होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि जीके जीफ महोदय ने दिया। कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसी चीज को माइंड में रखना है, और सबसे बेहतर तो यही है कि आप इस टाइटल को, टाइटल इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, अगर आपको ये टाइटल भी पता है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो इस टाइटल में ही छुपा हुआ है कि न्यूनतम प्रयास अगर हम कर रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि प्रयास न्यूनतम है तो न्यूनतम प्रयास प्रवास को इंक्रीज करेगा, अधिकतम प्रयास प्रवास को डिक्रीज करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसकी आलोचना जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि इनके मॉडल में कोई भी, तो आपने पढ़ा ही पूरा सिद्धांत अभी, तो कोई भी नई चीज आपको नहीं लगी होगी, बस उन्होंने अट्रैक्शन शब्द, अट्रैक्शन के एस्पेक्ट में आके सभी चीजों को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को फॉलो कर रहे थे, और इन्होंने प्रयास या एफर्ट को मेन चीज बना के अपने पूरे सिद्धांत को उसी के इर्द गिर्द घुमाया है। बाकी ओवरऑल बातें दोनों लोगों ने एग्जैक्टली सेम ही कही है, जो बातें रैली ने कही हैं वही बात जीके जीफ ने भी अपने सिद्धांत में कही है, तो कोई भी नई बात इन लोगों ने नहीं कही जीके जीफ महोदय ने। इसीलिए इस पॉइंट पे इनकी काफी आलोचना होती है कि इन्होंने उन्हीं के मॉडल को कॉपी करके अपना एक सिद्धांत दे दिया अलग नाम से। अगर ये कुछ नया बताए होते तो बात समझ में आती, लेकिन सेम टू सेम अगर उन्हीं की चीज को कह दे रहे हैं, बस एक कहने का तरीका बदल दिया, तो वो चीज उचित नहीं है। तो फिलहाल इस अध्याय में दोस्तों इतना ही। आप भी अभी हम लोग को कुछ सिद्धांत और पढ़ने हैं, अभी रेवेन्स्टीन का सिद्धांत, स्टोफर का सिद्धांत, ली का सिद्धांत, जेलेंस्की का सिद्धांत, काफी सिद्धांत अभी बचे हुए हैं, तो आगे के अध्यायों में हम लोग उन सिद्धांतों को भी कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।